तो हम आप सामने एक नए ट्रेलर के साथ आए हैं। आपको बता दें, जो ट्रेलर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है बॉलीवुड की नई मूवी का मणिकर्णिका। मणिकर्णिका दोस्तों, ये जो मूवी है इसके लीडिंग स्टार है कंगना रनौत। लेकिन ये जो स्टोरी है दोस्तों, वो आपको बता दूँ, रानी लक्ष्मीबाई के लाइफ पे बनी मूवी है दोस्तों। और आपको पता है कि भारत के हर एक बच्चे बच्चे के दिल में रानी लक्ष्मीबाई की जो आदर है, उनका जो कार्य है, वो जो उन्होंने देश के प्रति, अपने झांसी के प्रति किया है, उसका हर बच्चा बच्चा ऋणी है। और इस उनसे ही प्रेरणा लेता है अपने देश के प्रति किस तरह से अपने देश के प्रति वफादार रहने का, अपने देश के प्रति कार्य करने का। दोस्तों आपको बता दें, ये हमने एक कहानी सुनी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो 86 वाली रानी थी। तो ये हर एक बच्चा भारत का जानता है दोस्तों, वहाँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। सो उन पर ही बनी ये मूवी आ रही है दोस्तों, मणिकर्णिका। सो हम उसके ट्रेलर पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम ट्रेलर स्टार्ट करते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अंग्रेजी सरकार गिद्धों की तरह झांसी पर नजर गाड़ी बैठी है। झांसी को सही समय लेते उत्तराधिकारी नहीं मिला तो ये झांसी को भी हड़प लेंगे। तो दोस्तों, ट्रेलर काफ़ी इमोशनल था एक्चुअली। जो हमारे देश के लिए जिन्होंने दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनके प्रति हमारी जो निष्ठा भावना होनी चाहिए, मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं से खोते जा रहे हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है जो हमारे देश के प्रति हमारे दिल में प्यार मोहब्बत और बना सकें। रानी लक्ष्मीबाई जैसे ये जो कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए
इतने कार्य किए हैं वो लोगों को पहुंचना चाहिए और उनकी कहानियाँ लोगों को पता होनी चाहिए। आपको पता है किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश से मुकाबला किया। एक बोलते हैं औरत अकेले खड़ी रही अपने मातृभूमि के लिए, अपने झांसी के लिए। ऐसी कहानियाँ लोगों को पता होनी चाहिए और मुझे लगता है कि यही चीज़ें हमें शक्ति देती हैं, पावर देती हैं अपने देश के प्रति ईमानदार रहने के लिए, अपने देश के प्रति काम करने के लिए और अपने देश के लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाने के लिए। दोस्तों सो मैं चाहूँगा कि हमारा जो भारतीय समाज है, हमारे भारतीय लोग हैं, हमारे देश के प्रति ईमानदार रहें, देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें और हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य करते रहें। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हमें अपने देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए और देश के भलाई के लिए जो भी करना है वो हमें करना चाहिए। दोस्तों